वेलकम टू सुपर क्लासेस। माय सेल्फ कुणाल प्रताप सिंह। हम लोग दिल्ली सल्तनत देख रहे थे, तो दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश पूरा कर लिया लास्ट वीडियो में। दिल्ली सल्तनत की ट्रिक थी गुलाब खिले तो सांस लो माँ। ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। हालांकि मुगल वंश और लोधी वंश का जो आखिरी है सिकंदर लोधी, वो दिल्ली सल्तनत में नहीं आते क्योंकि वो दिल्ली से आगरा ले गया था अपनी राजधानी। सिकंदर लोधी लास्ट वाला जो लोधी वंश का राजा था। तो गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश। अब गुलाम वंश में जो राजा थे गुलाम वंश के, उसकी ट्रिक थी गुलाम कई रन बट। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजा सुल्तान, नसरुद्दीन, बलबन और टूमर्स और कैकुबा, ये गुलाम वंश के राजा हो गए। उसके बाद में जो खिलजी वंश के राजा हैं उसकी ट्रिक है खिल जाके, जिसमें ई नहीं है। जा से जलालुद्दीन खिलजी, ए से अलाउद्दीन खिलजी और के से कुतुब मुबारक खिलजी, और सब में खिलजी तीनों में लगेगा। तो इस तरह से गुलाम वंश की ट्रिक लास्ट वीडियो में देख लेना, खिलजी वंश की खिल जाके हो गई। तो खिलजी वंश की शुरुआत होती है जलालुद्दीन खिलजी से। राजधानी सबकी दिल्ली है क्योंकि दिल्ली वंश चल रहा है। तो जलालुद्दीन जो खिलजी था वो बलबन का बेटा था, उसके सेवा में काम करता था। शुरू में ये एक सेवक की तरह था, धीरे धीरे जब पद बढ़ा इसका सैनिक बन गया। सैनिक के बाद में ये एक अंगरक्षक टाइप का बन गया, कमांडो, शाही अंगरक्षक, और उसके बाद में समाना एक जगह है वहाँ का ये सूबेदार बन गया। पहले सैनिक, फिर अंगरक्षक, फिर सूबेदार बना समाना का। धीरे धीरे इसने अपना एक सैनिक से या सेवक से अपना जीवन शुरू किया और इसने एंड में जाके ये राजा बन गया। स्वभाव से ये काफ़ी दयालु था, अपने पूरे परिवार को लेकर चलता था, इसलिए इसका जो भतीजा था उसको इसने सेना में धीरे धीरे शामिल किया और उसको भी जिम्मेदारी सौंपी कि एक काम करो, मैं यहाँ अच्छे से रह रहा हूँ और जो दक्षिण भारत पूरा पड़ा हुआ है, दक्षिण भारत में तुम सेना ले जाओ और दक्षिण भारत को विजय फतेह करके आओ। तो इसका भतीजा जो कि ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, तो ये गया दक्षिण भारत पर अपनी अच्छी खासी सेना लेकर। दक्षिण भारत इसने जीत लिया, वहाँ जाके इसने काफ़ी ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी की और अपनी सेना को भी काफ़ी डेवलप कर दिया और बढ़ा लिया। और जब लौट के आ गया तो लौट के आके इसने सोचा कि मैं पूरा दक्षिण भारत जीत के आया हूँ, तो मैं यहाँ इसको ये दिल्ली का है मैच, क्यों ना इसको भी जीत लूँ। तो सेना की इसको लालच था और पूरे भारत पर ये कब्जा करना चाहता था। तो आकर इसने अपने जो चाचा था अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया। और जो उसके चाचा की जो बेटी थी, यानी कि अपनी बहन, चचेरी बहन, उससे इसने शादी कर ली और ये दामाद बन गया अलाउद्दीन खिलजी ने। अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और वहाँ दामाद बन के बैठ गया। इसने अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी, यानी दूसरा सिकंदर। सिकंदर के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं, सिकंदर विश्व विजेता बोला जाता है चाणक्य, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सिकंदर को भगा दिया था, किस तरह से भगाया था वो पूरी स्टोरी हमने देख ली थी। तो इसने अपने आप को दुनिया का दूसरा सिकंदर बोलता था, सिकंदर ए सानी। ये प्रसिद्ध होना चाहता था, प्रसन्ना नाम करने के लिए कुतुब मीनार के बराबर में एक दूसरी मीनार खड़ी करनी चाहिए, उससे भी बड़ी और काफ़ी चौड़ी, जिसका नाम था अलाई मीनार। हालांकि वो बन नहीं पाई, आज भी अधूरी है, गूगल करके देख लेना, बराबर में ही अधूरी खड़ी है। जो सैनिक थे, जो इसका प्रधान सेनापति, उसने मना कर दिया, महाराज इससे ऊपर नहीं जाएगी वरना तो ये गिर जाएगी, तो आज वो अधूरी है। तो वो जब अलाई मीनार इसकी नहीं हो पाई, अधूरी रहेगी, तो उसके बाद में अलाई दरबार इसने बनाया। अलाई दरबार काफ़ी सुंदर है देखने में, इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी बोला जाता है, इतना सुंदर है ये अलाई दरवाजा। इसने बनाया कहाँ? दरअसल कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। उसने कुतुब मीनार बनवाई और साथ में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसी मस्जिद पर इसने अपना दरवाज़ा अपने नाम को चढ़ा दिया, अलाई दरवाज़ा।
ताकि ये नाम हो जाए कि हाँ फ्यूचर में कभी जाके कि हाँ ये मस्जिद इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। तो अलाई दरवाज़ा काफ़ी फिनिशिंग थे, बहुत अच्छा इसने बनवाया था संगमरमर का। खुद को खलीफा बोलता था ये, हालांकि खलीफा तो ईरान का था पूरे इस्लाम धर्म का, पर ये खुद को भी खलीफा मानता था कि मैं खलीफा हूँ। गुप्तचर व्यवस्था की इसने शुरुआत की थी। उसके बाद में घोड़ा दागना, यानी कि घोड़ा पे अपना चिन्ह लोहे का एक कोई भी साइन होता था, उसको गर्म करके और घोड़े पर चुपका देते थे और उसको हटा लिया करते थे। तो घोड़े पर नाम वगैरह कुछ भी लिखना हो या कोई भी चिन्ह अंकित करना हो तो वो सेना अपने अपने घोड़ों पर पढ़ने करते थे ताकि घोड़ा अदला बदली ना हो और पहचान बनी रहे। आदमियों के लिए हुलिया प्रथा थी, तो आदमियों का जो सैनिकों का हुलिया था, सैनिक क्या करते थे कि कभी कभी अपनी जगह दूसरे आदमी को भेज दिया करते थे, तो उन सैनिकों के लिए जो मंत्री होते थे वो उनको सौंप रखा था काम ये कि सैनिकों का भी हुलिया का लेखा जोखा रखना, जो भी सैनिक कैसा दिखता है, कैसा पहनता होता है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, तो वो हुलिया प्रथा भी इसने चालू की थी। बेईमानी अगर कोई करता है तो उस पर इसने बहुत सख्त नियम बनाया था कि जितनी बेईमानी करेगा उतना उसको अपना मांस काट कर देना पड़ेगा, तो बेईमानी पर मांस काटना भी इसने चालू किया था। उसके बाद में इसका देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा मानते हैं कि ये समलैंगिक था, हालांकि ये कभी रिवील नहीं हुआ, लेकिन मलिक नायब एक आदमी था जो हमेशा इसके साथ रहता था, उसकी हरकतें कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा क्लोज रहता था अलाउद्दीन खिलजी के, और हमेशा अक्सर उसके पर्सनल बेड पर और खुद में भी वो एक पता नहीं पड़ता था कि आदमी या औरत है, तो इसलिए उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये समलैंगिक था ये अलाउद्दीन खिलजी। इसने गैर मुस्लिम जो होते हैं उन पर जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या था कि मुस्लिम इलाके में केवल मुस्लिम ही रहेंगे, पर अगर कोई गैर मुस्लिम आके रहता है तो उसकी सुरक्षा के लिए उससे एक टैक्स वसूला जाता है जिसको बोलते हैं जजिया कर। तो जजिया कर लगाते हैं गैर मुस्लिमों पर और जकात लगाते हैं मुसलमानों पर। जकात क्या, एक तरह से दान है जो हर मुस्लिम को देना पड़ता है, तो वो जकात मुस्लिम से टैक्स हो गया और जजिया टैक्स जो है वो हिंदू से। सैनिकों पर खुम्स टैक्स लगाते थे, क्योंकि सैनिक जाते थे लूट मार करते थे तो बदले में उनसे खुम्स टैक्स वसूला जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी नज़रों में आए जब इसने राजा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती उस पर नज़र डाली। पद्मावती काफ़ी सुंदर थी उस टाइम में और उसके चर्चे अलाउद्दीन खिलजी ने सुने और वो पद्मावती को पाना चाहता था, तो उसके चक्कर में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अच्छा, राजा रतन सिंह की जो पद्मावती थी वो 15वीं पत्नी थी और सबसे प्रिय भी थी, 15 शादी की थी, लास्ट में पद्मावती के बाद में फिर और नहीं की थी। तो राजा रतन सिंह चित्तौड़ के थे और चित्तौड़ का ही किला इनका एक राजा था, छोटी मोटी सेना थी लगभग 30,000 की। तो अलाउद्दीन खिलजी लगभग 3,00,000, ये 30,000 है और ये 3,00,000 सैनिक लेके पहुंच गया चित्तौड़ के किले को कब्जाने के लिए, क्योंकि चित्तौड़ का किला काफ़ी ऊंचा बना हुआ था टीले पर, तो ये लोग उस पर कब्जा सहज नहीं कर पाए। तो सात महीने तक अलाउद्दीन खिलजी उसी एक चित्तौड़ के चारों तरफ अपना डेरा डाल के बैठ गया, और 7 महीने बाद में जब खाना पीना राशन चित्तौड़ का जब कभी ना कभी तो ख़त्म होना तय था, क्योंकि इतनी सारी सेना रहती थी, 30,000 राजशाही परिवार भी रहता था और भी शहर में लोग रहते थे, राशन पानी जब ख़त्म होने लगा तो फाइनली फिर युद्ध हुआ। उस युद्ध में ये क्लियर था कि राजा रतन सिंह को हारना है, क्योंकि वो महज 30,000 थे और कहाँ ये 3,00,000, एक सैनिक के समय 10 सैनिक आ गए। तो फाइनली राजा रतन सिंह मारे गए, वो भी धोखे के साथ। जब ये दो राजा आपस में लड़ रहे थे तो सेना के ही जो कुछ आदमी थे उन्होंने लड़ते हुए दोनों राजा रतन सिंह जब हावी हो रहे थे अलाउद्दीन खिलजी पर तो पीछे से तीर मार दिया था राजा रतन सिंह के, तो ये मर गए। और 30,000 सेना, क्योंकि 3,00,000 के सापेक्ष 30,000 तो काफ़ी कम है, ये भी मर गई, पर बदले में इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया अलाउद्दीन खिलजी का, लगभग 3,00,000, 30,000 सैनिकों ने 3,00,000 सैनिकों को मारा। इससे अच्छा फिर मारने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी इस पद्मावती के लिए उसके किले की तरफ दौड़ने लगा, तो पद्मावती ने लगभग 16,000 और जो लेडीज़ थीं उनके साथ मिलके जौहर कर लिया,
16,000 औरतों के साथ जौहर। जौहर क्या होता है कि पत्नी से आज्ञा ले लेते हैं जब वो युद्ध पे जाते हैं कि अगर तुम हारते हो, युद्ध में मारे जाते हो, तो ये लोग आके हम पे बलात्कार वगैरह करेंगे और हमें गुलाम बनाएंगे। तो उस चीज़ से अपनी दुर्गति से बचने के लिए ये लोग एक कुंड में आग लगाते थे महल में ही, और उसमें जाके सारे कूद जाया करते थे। तो 16,000 औरतों ने अपना जौहर किया, मतलब कि वो आग में कूद के ख़त्म हो गई वो। इससे अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ कि जिसको पाने के लिए आया वो ख़त्म होगी और कुछ नहीं बचा, खुद का भी इतना 3,00,000 सैनिक और 7 महीने से जो डेरा डाला हुआ था जिसकी चाहत में, वो सब बर्बाद, किसी मतलब का नहीं। बदले में इसने क्या करा कि लगभग 30,000-40,000 वहाँ से औरतें उठाईं, उनको अपनी सेना के हवाले कर दिया। उन्होंने उनका बलात्कार किया, अपनी रखेल रखा और दासियाँ बनाया, और 20-30,000 बच्चे थे उनको भी अपना गुलाम बनाया, उनसे काम करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी थोड़ा याद रखना है कि पद्मावत जो बुक थी वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, हालांकि ये इसका इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस टाइम में नहीं था, ये 1540 की बात है और ये 1290 से 1320 के ही बीच में है, तो बहुत बाद में लिखी गई थी पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। वो लिखी थी पद्मावती की यही स्टोरी के बारे में। तो फाइनली अलाउद्दीन खिलजी जीत गया, पर वो रानी पद्मावती को नहीं पा सका। इसके बाद में इसकी मृत्यु का देख लेते हैं। इसको पहले जलोदर हुआ, जलोदर में क्या है कि पेट फूलने लगता है, शरीर के ऑर्गन फूलने लगते हैं, सूजन आने लगती है, पचता है नहीं और पेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इतना भी जब इसका, वो कहते हैं ना जैसे कर्म होते हैं वैसे भुगतने पड़ते हैं, इतने पर भी जब भगवान को चैन नहीं मिला तो उन्होंने इसको कोढ़ कर दिया। तो पहले जलोदर की वजह से पेट फूला इसका और पूरे ऑर्गन काम करने बंद हो गए, हगना मुदना इसका बंद हो गया जलोदर में, उसके बाद में कोढ़ हो गया, और कोढ़ में क्या होता है अंग धीरे धीरे गल के टूटने लगते, तो बहुत बुरी मृत्यु हुई, शायद राजाओं में सबसे बुरी तो नहीं पर बुरी मौतों में से एक इस अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी, जो एक भगवान की तरफ से दी हुई मृत्यु थी क्योंकि उसने कर्म ही इतने बुरे किए थे, पता ही नहीं पड़ता था इसका कि आदमी की औरत है। इसके बाद में इसका बेटा हुआ था कुतुब मुबारक खिलजी, जो तीसरा बेटा था वो गद्दी पर आया। अब कहते हैं ना कि जीन या DNA कहीं ना कहीं बाप से मेल खाता है, बाप बेटे का जीन कहीं ना कहीं तो एक होगा, तो जिस तरह से इसका दिमाग हमेशा लहंगे में घुसा रहता था, इसका बेटे का भी सेम, इसकी भी वही हरकतें थी, नंगा घूमता रहता था ये, उघाड़े नंगा घूमता था राजमहल में, कभी कभी तो ऐसे ही आगे सिंहासन पे बैठ जाया करता था। और खुसरो जो इसका प्रधानमंत्री था, खुसरो को प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि इसको तो अय्याशी करनी थी, उसको प्रधानमंत्री बना के खुद अय्याशी करने लगा। प्रजा भी इससे दुखी होगी कुतुब मुबारक खिलजी से कि ये राजा बनने लायक नहीं है, क्योंकि वही DNA पिता का था, वही DNA आके बेटे में पहुंच गया। फाइनली खुसरो जो था उसने प्रधानमंत्री बना, तो सारी पावर खुसरो के हाथ में थी, तो उसने कुतुब मुबारक खिलजी को चाकू घोंप के मार दिया, और खुसरो को चढ़ाया था गाजी मलिक ने, गाजी मलिक भी मंत्रिमंडल में था, उसने खुसरो को चढ़ाया अंदर ही अंदर कि ये राजा बनने लायक नहीं, इसको मार दो। खुसरो ने मार दिया चाकू से कुतुब मुबारक खिलजी को। बाद में गाजी मलिक ने बाकी जो मंत्रिमंडल था उसको भड़काया कि देखो इसने हमारे खुसरो ने राजा को मार दिया, तो उसी टाइम गाजी मलिक ने खुसरो को मार दिया कि खुसरो ने ऐसे ऐसे अपराध किया, राजा को मार दिया, तो बदला लेने के लिए गाजी मलिक ने खुद इसको चढ़ाया, और जब इसने उसको मार दिया तो बदले में खुसरो को गाजी मलिक ने मार दिया। ये गाजी मलिक वही है गयासुद्दीन तुगलक जिसने बाद में तुगलक वंश की स्थापना की। तो ये हमारा खिलजी वंश पूरा कंप्लीट हुआ, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, अब चलेगा तुगलक वंश नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।